बिहार के एक हॉस्पिटल में शव के लिए मॉर्चरी वैन ना देने के मामले की गाज जूनियर कर्मचारियों पर गिरा दी गई है। पूर्णिया के इस हॉस्पिटल के दो फार्मासिस्ट का ट्रांसफर और ग्रेड टू के चार कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल ने कुछ दिन पहले शव के लिए मॉर्चरी वैन देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से परिवार वालों को बाइक पर शव ले जाना पड़ा। बिहार की ये तस्वीर देश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों के हालात बयान करने के लिए काफ़ी है। बिहार के पूर्णिया में 2 जून को एक दिहाड़ी मजदूर को जब अस्पताल की तरफ से अपनी पत्नी के शव को ले जाने के लिए मॉर्चुअरी वैन नहीं मिली तो उसे मजबूरन शव कंधे से बांधकर बाइक पर घर ले जाना पड़ा। ये मामला बिहार की खस्ता हाल चिकित्सा सेवा की तस्वीर बयां करता है। अगर एक नज़र बिहार में स्वास्थ्य सेवा पर डालें तो नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार बिहार में सालाना हर नागरिक पर औसतन 348 रुपये खर्च किए जाते हैं, जबकि देश में ये औसत 724 रुपए है, यानी बिहार में ये आधे से भी कम है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2015 के मुताबिक देश में औसतन 61,000 लोगों पर एक हॉस्पिटल और 1,800 लोगों पर एक हॉस्पिटल बेड है, लेकिन बिहार में ये 71,000 लोगों पर एक अस्पताल और 8,700 लोगों पर एक हॉस्पिटल बेड है। सबसे बुरे हालात तो डॉक्टर्स की उपलब्धता का है। देश में औसतन 11,500 लोगों पर एक डॉक्टर है, लेकिन बिहार में 28,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। ये आंकड़े ना सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे देश की खराब चिकित्सा सेवा का हाल बयां करते हैं। WHO के डेटा के मुताबिक साल 2013 तक जब भारत लो इनकम ग्रुप में था, वो अपने GDP का केवल 1.1% हिस्सा हेल्थ सेक्टर में खर्च करता था, जो कि लो इनकम ग्रुप के औसत से भी कम था। और साउथ ईस्ट एशियन रीजन सेहत पर सबसे कम खर्च करने वाले देशों में हमारे बाद केवल म्यांमार रह जाता है। नमिता सिंह की रिपोर्ट, गो न्यूज़।